हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कर रहे हो SSCGL 2018 को टारगेट, तो प्लीज़ जाइए, जाके मुझे अनअकैडमी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे 2018 CGL के लिए कुछ कोर्सेज मैंने स्टार्ट किए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके मुझे आप फॉलो कीजिए, कोर्सेज आप लोग देख सकते हैं और कुछ भी आपको पे नहीं करना है, वहाँ पे सब कुछ फ्री है। चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है 2017 का, ये 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये MB पब्लिकेशन या प्रीवियस ईयर कहीं से भी हो, हर जगह पेपर एक ही है, तो आप इसको मान सकते हो MB पब्लिकेशन का ही पेपर है, या प्रीवियस ईयर जहाँ से भी आप करते हो वही पेपर है। आप बोलते हैं मैम MB से कराई, तो ये MB का ही है, कहीं और से नहीं है, MB में भी यही सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, चिलिका इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लैगून इन एशिया। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मुझे कोई एरर नहीं लग रही है, इसमें कोई एरर है भी नहीं, तो इसका डी, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाइम अपसाइड द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी। इसमें तो मुझे एरर बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि मैंने ये चैप्टर कल ही आपको प्रीपोजिशन में, जो मैंने कल ही जो लास्ट वाली वीडियो डाली है आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था, ऑन टू का बताया था आप लोगों को, याद पहले मैं बता दूँ उसमें एरर क्या है। इसमें ए वाले क्वेश्चन में एरर, क्योंकि अपसाइड की जगह क्या आएगा, ऑन टू आएगा, ऑन टू द माउंटेन्स, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जब किसी सरफेस पे चढ़ने के बाद हो, वहाँ पे डेस्टिनेशन मोशन, कोई मोशन हो रहा हो, तो उस केस में हम हमेशा ऑन टू लिखते हैं। तो आप अनअकैडमी पे अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, तो कल मैंने प्रीपोजिशन में एक वीडियो डाली है, सबसे लास्ट वाली जो वीडियो है, तो प्रीपोजिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे जाके देख लीजिए पूरी वीडियो, तो कल ही मैंने ये आपको पढ़ाया है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑन टू का यूज़ करेंगे, ना कि अपसाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रिचुअल्स प्ले इन टू द डेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटी टैक्टफुली टैसिट एंड टैसिटर्न एंड टैसिटली। तो इसमें जो वर्ड आएगा, पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये आएगा क्या, अंडरस्टैंडिंग एक हमारा नाउन है, तो इससे पहले आने वाला क्या होगा, एडजेक्टिव इससे पहले आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन इज़ द फॉर्म ऑफ एनी सेंटेंस। कि हम एडजेक्टिव या नाउन से पहले क्या लिखते हैं, हम हमेशा एडजेक्टिव लिखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सिर्फ एक ही एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, क्योंकि टैक्टफुली एंड टैसिटली, ये तो आपको पता है एडवर्ब है, क्योंकि इनके पीछे एलवाई लगा हुआ है, तो आपको ये तो पता है। और टैसिटर्न क्या है, हमारा एक नाउन है, ये हमारा नाउन है, तो टैसिटर्न का मतलब होता है जो कम बोलने वाला होता है, उसको हम टैसिटर्न बोलते हैं। तो एक ही यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, सॉरी, क्योंकि हमें यहाँ पे एडजेक्टिव लेके आना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारा बचा हुआ ऑप्शन, वो है बी ऑप्शन, दैट इज टैसिट। तो यहाँ पे हमारा कैसे भी आप कर लेना, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो वही आएगा, दैट इज टैसिट। ओके, क्योंकि हमारा नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, जो क्या, टैसिट। तो तीनों ऑप्शन हमने चेक कर लिए, इनमें सो नहीं सकता, एक यही वाला ऑप्शन बचा हुआ, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4, रिपीटिशन ब्रेड अ सेंस ऑफ डेस विद द कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपने देखा प्रीपोजिशन ऑफ है हमारे पास, तो प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या होता है, या तो नाउन होगा या फिर वी की आई एन जी फॉर्म। तो हमें वी की आई एन जी फॉर्म तो कोई हमें दिख नहीं रही है, तो हम यहाँ देख लेते हैं नाउन, नाउन कौन सा है इसमें, तो आप देख सकते हो एक ही नाउन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, वो तो फैमिलियरिटी। ओके, फैमिलियरिटी हमारा यहाँ पे एक नाउन है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, इसका ए हमारा जो कि आंसर होगा। ओके, तो ये आपको बता दूँ, ये प्रीपोजिशन नाउन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ आपको पहले आनी चाहिए, ये रिवीजन करने से पहले, ये जो मैं करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी नाउन की या फिर ये प्रीपोजिशन की, तो नाउन की तो मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, और प्रीपोजिशन मैंने कराया हुआ है अनअकैडमी पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, तो जाके आप प्रीपोजिशन वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इनसेंस्ड। इनसेंस्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को नाराज करना, किसी को परेशान करना, तो ये हमारा इनसेंस्ड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है, जो कि एग्जस्परेटेड, क्योंकि एग्जस्परेटेड का मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना या फिर किसी को भड़काना, तो वो उसी के ही सेंस में आता है, इसी का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसेंड, तो ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी से ऊँचा उठना, किसी से बेहतर होना, उसको बोलते हैं ट्रांसेंड। तो पहले चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें। ओके, ब्लंडर तो हो नहीं सकता, ब्लंडर का मतलब आप पता है भारी भूल। फिजल नहीं हो सकता, फिजल का मतलब होता है असफल होना। एबॉर्ट, मैं ये चारों ऑप्शन इसमें क्यों चेक करें, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट, तो मुझे इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता था, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन इसके चेक किए थे। ओके, फिजल हो नहीं सकता, क्योंकि फिजल का मतलब होता है असफल होना। ब्लंडर हो नहीं सकता, ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल। एंड एबॉर्ट भी नहीं हो सकता, एबॉर्ट एंड फिजल तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम, यानी इसका मतलब होता है निसफल होना।
ओके, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है हमारा, एक्लिप्स। तो यही हमारा क्या होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर एट्थ, सेवन्थ एट्थ, इसमें हमें क्या बताने हैं, हमें बताने एंटोनियम्स, अपोजिट। उसमें हमारे सिनोनिम बताने थे, इसमें हमें एंटोनियम बताने हैं। तो पहला है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब ये होता है किसी को, या फिर अयोग्य बनाना जिसको हम बोलते हैं, ओके, इनकैपेसिटेट उसका मतलब होता है। क्रिपल और मेमता हो, मेम तो होगा नहीं, इन दोनों का मतलब होता है किसी को अयोग्य बना देना, यानी किसी के हाथ काट दिया, पैर काट दिया, तो ये हमारा क्रिपल हो जाता है। तो ये तो इन दोनों में से हो नहीं सकता, तो इसका फैसिलिटेट होगा। फैसिलिटेट ही क्यों होगा इसका, क्योंकि फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बना देना, किसी को मतलब सरल बनाना, ओके, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटियंस। सेंटियंस का मतलब क्या होता है, सेंटियंस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है किसी के लिए कॉन्शियसनेस, चेतना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका अपोजिट होगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड क्यों होगा, डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी का अनादर करना, किसी को अनदेखा करना। तो कॉन्शियस और अनदेखा किसी को करना, डिसरिगार्ड, ये अपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे के। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया एट्थ वाला। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ है हमारा, इसमें हमें इडियमिक फ्रेजेस बताने हैं। एट रेस का मतलब होता है कड़ी प्रतिस्पर्धा, ओके, तो उसको हम बोलते हैं एट रेस। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मेक अदर फाइट, ये तो होगा नहीं। अ वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर कॉट अप इन अ फेयरसली कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ और पावर, तो यही है, यानी कॉम्पिटिशन होना, प्रतिस्पर्धा होना, उसका यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, स्पिन वंस व्हील, ओके, तो स्पिन वंस व्हील का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई मतलब कम लाभ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने, उस चीज़ से हमें इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन हम एफर्ट उसमें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिन वंस व्हील। ये दोनों ईडियम मैंने आपको कराए हुए हैं अकेडमी पे, जो हमारी 1000 की सीरीज चल रही है ईडियम फ्रेजेस की, उसमें मैंने ये दोनों ही आपको कराए हुए हैं, ट्रिक के साथ दोनों बताए मैंने आपको, तो जाके ज़रूर देखिए वो सीरीज़ भी। तो इसका यही वाला ऑप्शन होगा, सी वाला, क्योंकि एक्सपेंड मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, यानी ज़्यादा एफर्ट करना किसके लिए, बहुत ही कम गेन जिससे आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ओके, आ स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज डैश सॉरी वॉज कंस्ट्रक्ट विद अ रेड कर्टेन, ओके, तो यहाँ पे स्मॉल मेक शिफ्ट की बात हो रही है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्ब प्लूरल है, तो स्मॉल मेक शिफ्ट इसके लिए हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो ये वाले ऑप्शन तो यहाँ से गए हमारे, या तो ये सही होगा या फिर ये होगा। तो यहाँ पे आएगा वॉज कंस्ट्रक्टेड। वॉज कंस्ट्रक्टेड क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में, हमें चाहिए पैसिव, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज कंस्ट्रक्ट नहीं, वॉज कंस्ट्रक्ट मे स्मॉल मेक शिफ्ट स्टेज वॉज कंस्ट्रक्टेड विद अ रेड कर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, टेक आउट योर बाइनिकुलर्स एंड विल सी द एंड्रोमेला गैलेक्सी। ये तो मैं देखते बता सकती हूँ, आप सब भी बता सकते हो, क्योंकि हमारा सेंस वो जो सिक्वेंस है, टेंस का जो सिक्वेंस है वो सिंपल है, सिंपल टेंस है, क्योंकि टेक एंड सी, और वैसे आप जानते हो टेक एंड सी ये होता है ना, कि टेक एंड विल सी, तो टेक एंड यहाँ पे आएगा सी, नॉट विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, इसमें आपको क्या बताना है, सब्स्टिट्यूशन, यानी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको बताना है। तो टेक अवे और ऑल्टर द अननेचुरल क्वालिटीज का क्या मतलब होता है, कोई प्राकृतिक गुण को ख़त्म करना, ओके, तो ये हमारा होगा ए, डी नेचुर, तो डी नेचर हो जाएगा इसका आंसर। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फैटिड स्मेल, इसका मतलब होता है सड़ना, जब उसमें कोई सड़न होने लग जाए तो उसको बोलते हैं प्यूट्रीफाई बोलते हैं उसके, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, तो इन क्वेश्चंस में जो समझाने वाले क्वेश्चंस नहीं है उन्हें मैं समझा नहीं रही हूँ, जो समझाने वाले सिर्फ उन्हीं को समझा रही हूँ, क्योंकि इनमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, तो आपको सिर्फ याद करने हैं। तो इसमें आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यानी जो इन चारों में से जो सही है, पिछली हमने एक्सरसाइज की थी उसमें पूछ रहा था इनकरेक्टली, तो आप क्वेश्चंस देख करने से पहले ये देख लीजिए इसमें करेक्टली स्पेल्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है करेक्टली स्पेल्ट, तो देखते हैं। ब्रीविंग 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 का स्पेलिंग तो
BERAEVING होती है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, ब्रीविंग का मतलब होता है कोई मतलब दुख से भरा हुआ, शोक से भरा हुआ, उसको हम बोलते हैं ब्रीविंग। नेक्स्ट वन इज फ्रॉथिस्ट, फ्रॉथिस्ट तो इसका होगा डी वाला, फ्रॉथिस्ट। फ्रॉथिस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा झागदार, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉथिस्ट। तो इसकी स्पेलिंग होती है FROTHIEST। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th एंड 18th। इसमें आपको क्या PQRS जैसे होते हैं ना, वही है, वही सारी चीज़ें। तो उसमें आपको क्या XYZ करके बताना है, तो बहुत ही ईजी है। मैंने दोनों पूरा सेट में पहले अच्छे से करती हूँ, फिर ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसके बाद। तो बहुत ही ईजी है दोनों PQRS। मैंने तो एक बार देखते ही 5 सेकेंड लगे थे मुझे ये इसको करने में, 5 सेकेंड लगे थे मुझे इसको करने में, देखते ही बना दिया था, बस पढ़ा था। तो बस ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। 17 क्वेश्चन है, वी हैव सीन दैट व्हेन थिंक ऑफ इट हैज़, तो व्हेन के बाद थिंक ऑफ इट हैज़ बिल्कुल नहीं हो सकता, सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो पहले एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं, व्हेन थिंक ऑफ इट हैज़ लूजिंग इट्स पार्ट्स एंड श्रिवलिंग टू, मैंने देखते कह दिया था ये पहले हो ही नहीं सकता है। वैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पहले ऑप्शन देखते हैं, जैसे ऑप्शन में जेड एंड वाई से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स वाला तो हो ही नहीं सकता, या तो जेड होगा या फिर वाई होगा। तो दोनों ऑप्शन इसके बाद सीधे यहाँ पर आ जाएंगे आपके, वी हैव सीन दैट व्हेन When we deny that a mental image can occupy any portal of space, we need not think of it. तो ये हमारा सही सिक्वेंस है, यानी जेड वाई एक्स। तो जेड वाई एक्स कौन सा है, डी वाला। नेक्स्ट इज अनदर मेजर डिफरेंस, सेम ईयर यहाँ पर जेड एंड वाई पहले स्टार्ट हो रहे हैं तो एक्स तो हो ही नहीं सकता, तो जेड एंड वाई में देखेंगे। अनदर मेजर डिफरेंस इन कंपेरिजन विद द सोलर सिस्टम इज द टाइट पैकिंग ऑफ द 7 planets अराउंड द स्टार। तो यहाँ पे भी जेड वाई एक्स ऑर्डर जा रहा है, तो जेड वाई एक्स ऑर्डर कौन सा है, पहला वाला। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, देखते बना दिए थे मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या बताना है, पैसे बताना है। ओके, तो देखते हैं, द होम ओनर्स रिमॉडल्ड द हाउस टू हेल्प इट सेल, तो इसका बनेगा द हाउस वॉज रिमॉडल्ड, द हाउस वॉज रिमॉडल्ड। तो इसमें देख लेते कौन सा, तो ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। पहला ही ऑप्शन देगा, बिना पूरा सेंटेंस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, बस आप एक्टिव पैसिव वॉइस में एक ट्रिक बना दीजिए, वर्ब को याद रखिए। जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कराया था, जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो एक्टिव में ये वर्ब होती है, पैसिव में वो वर्ब होती है। अगर एक्टिव पैसिव आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दिया हुआ है। ओके, तो इसका हो जाएगा ए, द हाउस वॉज रिमॉडल्ड बाई द होम ओनर्स टू हेल्प टू इट सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको बताना है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। शी आस्क्ड रवि व्हाट इज वरिंग यू, तो इसका बनेगा शी आस्क्ड रवि व्हाट वॉज रविंग हिम। तो ये तो बहुत ही ईजी है, पढ़ाया हुआ मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपल है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी हमारा इनकम्प्लीट है चैप्टर, इसको मैं जल्द से जल्द कर आप लोगों को कराऊंगी। ये मैंने सीरीज स्टार्ट हो गई, इस वजह से आपको नहीं करा पा रही, तो ये बस 20 क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि 25 जो हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं वो हमारा पैसेज है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप भेजिएगा, जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।